मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, विभागाध्यक्ष, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलिक्स, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी द्रव की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसमें पहली प्रॉपर्टीज है विस्कोसिटी, श्यानता। तो श्यानता क्या है? श्यानता विस्कोसिटी किसी भी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी भारी प्रतिबल स्ट्रेस या अपरूपक प्रतिबल शियर स्ट्रेस के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। यानी सामान्य शब्दों में अगर हम बोलें तो यह उस तरल के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक है। यानी कि जिसकी श्यानता जितनी अधिक होगी उतना ही उसका बहाव कम होगा, और जिसकी श्यानता जितनी कम होगी उसका बहाव उतना ही ज्यादा होगा, और जिसकी श्यानता ज्यादा होगी वो गाढ़ा होगा, और जिसकी श्यानता कम होगी वो पतला होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो पानी पतला होता है तो उसकी श्यानता कम होती है, जबकि वनस्पति तेल, शहद या किसी को और को देखें तो उनकी उनकी जो है गाढ़ा होते हैं, इसलिए ये इनका बहाव भी बहुत कम होता है। श्यानता फ्लूइड का वह गुण है जिसके कारण तरल उन बलों का फोर्स का विरोध करता है जो उसके स्वरूप को रोकना चाहते हैं। इस प्रकार श्यानता को किसी भी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण, इंटरनल फ्रिक्शन के रूप में भी हम देख सकते हैं। द्रव तथा गैस दोनों में ही विस्कोसिटी, श्यानता का गुण पाया जाता है, लेकिन द्रव गैसों की अपेक्षा ज्यादा विस्कोसिटी उनके अंदर होती है। इसी श्यानता के कारण द्रव की एक परत एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करते हुए आगे बढ़ती है। श्यानता को जो है हम विस्कोमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स में इट इज कॉमन टू वर्क इन टर्म्स ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यहाँ एक हमारा नया शब्द आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम शुद्ध गतिक श्यानता भी बोलते हैं। ये जो शुद्ध गतिक श्यानता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ये जो है रेशियो ऑफ द विस्कोसिटी म्यू, जो हमने पूर्व में पढ़ा था कि श्यानता वो विस्कोसिटी म्यू टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी श्यानता अपॉन द्रव का घनत्व काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाती है। इसको हम जनरली न्यू के द्वारा डिनोट करते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी रो। ऐसा यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज द न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, और सीजीएस यूनिट के अंदर इसकी यूनिट जो है पॉइस होती है, विस्कोसिटी इंडेक्स। ऑयल बिकम्स थिकर एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड द थिनर व्हेन इट इज हीटेड, यानी कि जब टेम्परेचर कम होता है तो ऑयल गाढ़ा हो जाता है, थिकर हो जाता है, और जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो पतला हो जाता है। यानी कि विस्कोसिटी जो है किसी भी ऑयल की, उसको हम जो है स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर एक्सप्रेस करते हैं। विस्कोसिटी इंडेक्स की डेफिनेशन के रूप में अगर हम देखें तो इट इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ एन ऑयल्स विस्कोसिटी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज, यानी तापमान में परिवर्तन के साथ विस्कोसिटी में जो परिवर्तन होता है ये जो है एक विस्कोसिटी इंडेक्स कहलाता है। अगर विस्कोसिटी इंडेक्स यानी VI को हम इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं, L-U/L-H मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर L जो है विस्कोसिटी इन SUS
ऑफ 0 to 6 ऑयल 800 डिग्री फॉरेनहाइट, यू विस्कोसिटी इन एसयूएस ऑफ अननोन टू 6 ऑयल 800 डिग्री फॉरेनहाइट, एच विस्कोसिटी इन एसयूएस ऑफ 100 to 6 ऑयल 800 डिग्री फॉरेनहाइट। ये सभी 100 डिग्री फॉरेनहाइट पे मेजर करते हैं। एसयूएस मींस सेवोल्ट यूनिवर्सल सेकंड। सेकेंड पॉइंट आता है विस्कोसिटी के बाद तापमान टेम्परेचर। किसी भी वस्तु की उष्णता की माप टेम्परेचर, कोई भी वस्तु की गर्मी को जो है मापता है, अर्थात तापमान से हमको ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु ठंडी है अथवा गर्म है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि एक वस्तु का तापमान 20 डिग्री है और एक दूसरी वस्तु का तापमान 40 डिग्री है, तो ये कहा जाएगा कि 40 डिग्री वाली वस्तु प्रथम वस्तु 20 डिग्री टेम्परेचर वाली वस्तु से अधिक गर्म है। तापमान के मात्रकों में सेल्सियस, इसे हम सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं, इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दबाव पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यह पैमाना दैनिक वातावरणीय तथा अन्य कामों में काफी प्रयुक्त होता है। केल्विन, इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दबाव पर 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 373.15, यानी हमने जीरो में 273.15 जोड़ दिया उतने पर तो वो जमेगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 273.15 जोड़ने पर 373.15 डिग्री पर केल्विन पर उबलता है। यह पैमाना वैज्ञानिक गणनाओं तथा अन्य कामों में काफी प्रयुक्त होता है। फारेनहाइट, इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दबाव पर 32 डिग्री फारेनहाइट पर जमता है और 220 डिग्री फारेनहाइट पर उबलता है। परंपरागत बुखार जब हम नापते हैं जिसमें थर्मामीटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो फारेनहाइट का ही पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री है तो वो नॉर्मल माना जाता है, और 98.4 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो यह माना जाता है कि उसको बुखार ज्वर से पीड़ित है। यह पैमाना दैनिक वातावरणीय तथा अन्य कामों में प्रयुक्त होता है। यदि किसी एक वस्तु का तापमान फारेनहाइट पैमाने पर F है, सेल्सियस पर C और केल्विन पर K है, तो इनको जो अगर हम इनके बीच में अगर रिलेशंस निकालें तो सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में C/5 = F-32 अपॉन 9, और सेल्सियस और केल्विन में अगर निकालेंगे तो C/5 = K-273/5। हम ये दोनों तीनों को भी एक साथ हम जो है रिलेशन के रूप में कर सकते हैं कि C/5 = F-32/9 = K-273/5। दाब, प्रेशर, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं, क्योंकि दाब क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। तो अगर हम क्षेत्रफल इकाई क्षेत्रफल अगर माने तो जो जो जितना बल होगा वह दाब कहलाएगा। इसकी इकाई न्यूटन जो कि बल की होती है और क्षेत्रफल की प्रति वर्ग मीटर होती है, इसलिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई होती है। इसकी कई इकाइयां हैं, दाब एक अदिश राशि है और SI में जो है दाब की यूनिट है पास्कल, 1 pascal = 1 newton per meter square। शांता और ताप, विस्कोसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन है यहाँ पर। प्रयोगों द्वारा हमने यह पाया है कि काफी हद तक द्रवों की शांता ताप पर निर्भर करती है, यानी विस्कोसिटी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। यद्यपि इस क्षेत्र में काफी प्रयोग किए जा चुके हैं तथापि कोई ऐसा साधारण सूत्र नहीं मिला जो कि शांता और ताप के संबंध की उच्च यथार्थता को प्रदर्शित करे। यह पाया जाता है कि ताप के बढ़ने के साथ साथ शांता घटती जाती है, लेकिन शांता में यदि घटाव प्रति अंश निम्न ताप पर ऊंचे ताप की अपेक्षा ज्यादा होती है, यानी शांता और ताप में मूलानुपाती सूत्र दिया गया जो बाद में संशोधित हुआ तथा शुद्ध द्रवों के संबंध में भी लागू होता है। शांता और दबाव, विस्कोसिटी एंड प्रेशर, जिन द्रवों की शांता ज्यादा होती है जैसे खनिज तेल है
उनकी श्यानता का गुणांक दबाव के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, यानी विस्कोसिटी इंडेक्स दबाव के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, केवल पानी को छोड़कर अन्य सभी द्रवों में इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है। पानी में कई सौ वायु दबाव तक श्यानता गुणांक घटता जाता है, इसके पश्चात श्यानता गुणांक अन्य द्रवों की तरह दबाव के साथ साथ बढ़ता है। गैसों के बारे में यह पाया जाता है कि उच्च दबाव का श्यानता गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु न्यून दबाव पर श्यानता गुणांक दबाव घटने के साथ साथ घटता जाता है, जिस पर दबाव पर यह प्रभाव आरंभ होता है। ये दो बातों पर प्रमुखता निर्भर करता है, एक तो जो बर्तन का आकार है जिसमें गैस भरी हुई है, और दूसरा उस गैस की प्रकृति पर। पास्कल का सिद्धांत या पास्कल का नियम, पास्कल लॉ, द्रव स्थितिकी में दाब से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ पास्कल ब्लेज पास्कल ने प्रतिपादित किया था। यह इस प्रकार से सिद्धांत है कि सब तरफ से घिरे तथा असंपीड्य इनकंप्रेसिबल द्रव में यदि किसी बिंदु पर दाब परिवर्तित किया जाता है, घटाया अथवा बढ़ाया जाता है, तो उस द्रव के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर दाब में उतना ही परिवर्तन होगा, जैसा कि हम आगे फिगर में देखेंगे किस प्रकार से होता है। संलग्न तरल के किसी भी भाग पर लागू दबाव तरल के माध्यम से सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित किया जाएगा। ये फिगर में हम देखते हैं कि ये दो पाइप हैं जिनका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, एक का A1 है और दूसरे का A2 है। A1 स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइप है, जबकि A2 लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइप है। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ दिस पॉइंट, तो इसे का प्रेशर जो होगा वो फोर्स अपॉन एरिया यानी F1 अपॉन A1 होगा, और यहाँ पर प्रेशर होगा वो F2 अपॉन A2 होगा। तो दोनों जगह प्रेशर समान होगा, P1 इज इक्वल टू P2 यानी कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, और जब हम F2 ज्ञात करेंगे तो F1 गुना A2 अपॉन A1। अगला है बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय। किसी प्रभाव में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितित्व तो ऊर्जा में कमी होती है, यानी अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो स्थितित्व तो ऊर्जा में कमी होती है, या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है। यह डच गणितज्ञ डेनियल बर्नौली के नाम पर यह थ्योरम प्रतिपादित की गई, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसकी व्युत्पत्ति ऊर्जा संरक्षण के नियम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, जिसमें यह कहा जाता है कि तरल यांत्रिकी का सरल और आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। इसमें हम दो एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस करते हैं कि एक तो जो हमारा फ्लूड है वो इनकंप्रेसिबल है, एसएमपीटी है, यद्यपि दाब परिवर्ती है किंतु सभी बिंदुओं पर द्रव का घनत्व एक समान है, और दूसरा श्यानता विस्कोसिटी वहां पर जीरो है, यानी श्यानता के कारण कोई घर्षण बल नहीं लगता, शून्य रहता है। इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टोटल प्रेस टोटल हेड है, दैट इज टोटल एनर्जी प्रेशर एनर्जी, और हाफ रो B1 स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और रो GH पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज पॉइंट फर्स्ट जहां पर की वेलोसिटी B1 है और प्रेशर P1 है, इज इक्वल टू जहां पर प्रेशर P2 है, तो P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर, यहां पर वेलोसिटी B2 स्क्वायर है, प्लस रो GH2। तो चूंकि यहां H1 और F2 तो सेम प्लेन के अंदर है, इसलिए H1 इज इक्वल टू तो H2 हो जाएगा, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो यहां समान है। अब यहां पर अगर P2 इज अगर यहाँ वेलोसिटी इस पॉइंट पर ज्यादा है इस पॉइंट की अपेक्षा, तो यहाँ पर जो है प्रेशर P2 इज बिकम्स लेस देन P1। इसको हम फॉर्मूले के द्वारा भी देख सकते हैं
कि पी वन प्लस हाफ रो बी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो बी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। यहाँ पर पी स्टेटिक प्रेशर ऑफ फ्लूड एट द क्रॉस सेक्शन, रो डेंसिटी है फ्लोइंग फ्लूड की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बी मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लूड फ्लो एट द क्रॉस सेक्शन एंड एच एलिवेशन हेड ऑफ द सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द डेटम। तो इस केस में जिसमें पिछले फिगर में हमने देखा था उसमें H1 और H2 सेम डेटम पे, इसलिए ये समान रहेगा।